हेलो फ्रेंड, तो एक नया वीडियो के साथ वापस आया हूँ फिर. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. तो कुछ एप्लीकेशन समझेंगे वहाँ से. तो बेसिकली इसमें इतना ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ तो नहीं होगा, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स ही रहेंगे. 16 क्वेश्चन है टोटल, सब वर्ड प्रॉब्लम्स ही रहेंगे. आपको बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि हर एक रेशियो के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड का रिलेशन क्या क्या रहता है. जैसे कि अब साइन के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो गया, उसी तरह से टेन के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, है ना. ये सब रिलेशन पता होना चाहिए. लेकिन ज़्यादा यहाँ पे टेन का ही काम आएगा ज़्यादातर, मैक्सिमम ऑलमोस्ट, है ना. सबसे ज़्यादा टेन का ही काम आता है यहाँ पे. टेन परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन ही ज़्यादा होता है, हर कोई क्वेश्चन के लिए तो नहीं लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना. ये एक चीज़ है. यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, बिल्डिंग्स का हाइट, टावर का हाइट, एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर, उसमें अब अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस. इंटरेस्टिंग रहेगा चीज़, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा. तो आप लोग को अगर इंटरेस्टिंग है बोल के रखने से तो नहीं होगा. आप लोग को जो चीज़ पता होना चाहिए पहले, आपका काम जो है रिलेशंस वगैरह, वो तो रोज़ बोलता हूँ और आपको करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली आपको करना ही, इसलिए मैं रोज़ बोल रहा हूँ. ये सर एक ही बात बोल रहे हैं रोज़ रिलेशन, तो आपके लिए मुझे रिलेशन या मैंने ये रिलेशन याद करने से तो नहीं होगा. तो ठीक है, ऑल द बेस्ट. ये चैप्टर में मज़ा आने वाला है अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है. तो दोस्तों, अब पहले जो मैं आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे. बहुत सिंपल सा दो एग्जांपल, पहले इसको देखो. यहाँ पे ये वी हैव ए लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, ठीक है ना. अब अगर लेडर का हाइट मान लो, मैंने लेडर का जो लेंथ है वो 20 मीटर है और हाइट ऑफ द वॉल जो है ना 10 मीटर है, ठीक है ना. तो अभी ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है. अब तक तो आपको पता है कि अगर लेडर का लेंथ और ये हाइट ऑफ द वॉल पता है तो ये डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड फुट ऑफ द वॉल, है ना, एंड द वॉल, वो फुट ऑफ द लेडर और वॉल का डिस्टेंस हम लोग को पता चल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से सिंपली निकल जाएगा वो, ठीक है ना. अब इसमें हम लोग और एक चीज निकाल सकते हैं जिसमें कि ये जो थीटा है ना, एंगल थीटा, देखो अभी आपको यहाँ पे ये अगर 20 है लेडर, हाइपोटेनस अगर 20 है और ये जो परपेंडिकुलर अगर 10 है, तो हम लोग ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लेडर टू द ग्राउंड, है ना, लेडर टू द ग्राउंड, वो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी हम लोग यहाँ से निकाल सकेंगे, है ना, निकाल सकेंगे. वो एक टाइप का एप्लीकेशन हो गया. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को रिलेशन के बारे में समझेंगे. यहाँ पे हम लोग का बेस परपेंडिकुलर और हाइट के बारे में ज्यादातर डिस्कशन होगा, है ना. हाँ, अभी मान लो इसी को इस तरह समझेंगे, ये अगर एक एक लेडर को मैंने, एक बड़ा सा लेडर था उसको मैंने एक टावर के ऊपर ऐसे लगा दिया, है ना. तो हाइट ऑफ द टावर, अगर हमको ये हाइट ऑफ द टावर पता नहीं है, अगर हमको ये पता है, ये एंगल पता है 30 डिग्री, तो ये कितना होगा ये निकाल सकेंगे हम लोग, है ना. अभी देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और ये लेंथ ऑफ द लेडर हमको पता है, तो हम लोग हाइट ऑफ द टावर निकाल सकेंगे, है ना. तो ये एप्लीकेशन एक हो गया. और एक चीज देखो यहाँ पे, यहां से कोई एक चीज यहाँ पे आप यहाँ पे हो आप और एक बड़ा सा बिल्डिंग है ना, बड़ा सा बिल्डिंग यहाँ पे आप हो, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, ठीक है ना. मान लो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, तो अभी क्या हो जाता है इसमें, अगर आपको जो डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम यू, अगर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग जो है ना 5 मीटर है मान लो, 5 मीटर्स, ओके, देन वी कैन फाइंड आउट, हम लोग निकाल सकेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग. देखो यहाँ पे टेक्निक क्या है, एप्लीकेशन देखो, अगर हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन जहां से हम लोग देख रहे हैं वो बिल्डिंग को, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द बिल्डिंग वो पता है, हमको पता है वो चीज, मान लो 5 मीटर है और
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल के मान लो फॉर द टाइमिंग, ये एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है 30 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हो आप यहां से, तो अभी हम लोग इसको निकाल सकेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग। ओके देन फ्रेंड्स, सपोज यू आर हियर और एन ऑब्जर्वर इज हियर, हियर ओके, एंड दिस इज ए टावर, ओके टेलीकॉम टावर सपोज, एंड एन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज द ग्राउंड लेवल, ओके। नाउ व्हाट इज द पॉइंट इज हियर चेक, ओके, एन ऑब्जर्वर और यू मे बी ए पर्सन इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टॉप ऑफ दिस टावर, दिस इज सपोज टावर, सपोज दिस इज टावर, और यू कैन लाइक बिल्डिंग ऑल्सो नो प्रॉब्लम, ओके। इन दिस कंडीशन यू चेक, ओके, थ्रू व्हिच लाइन, दैट इज व्हिच रे, ओके, द पॉइंट दिस टॉप ऑफ द टावर इज ऑब्जर्विंग थ्रू व्हिच लाइन, ओके, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट, मतलब यहां से जिस लाइन से आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो ये पॉइंट टॉप ऑफ द टावर को, उसको लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। लाइन ऑफ साइट जो होता है, लाइन ऑफ साइट जो ये जो लेवल है, ये जो ग्राउंड लेवल है, उसको हॉराइजेंटल लेवल, ये हॉराइजेंटल लेवल है ना, ये जो ग्राउंड लेवल है ना, वो हॉराइजेंटल लेवल है, मतलब ग्राउंड लाइन ऑफ साइट और हॉराइजेंटल लेवल के बीच में एक गुड एंगल फॉर्म होता है ना, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, यहां से ऑब्जर्व हो रहा है, कौन से ऑब्जर्व हो रहा है, ये टॉप ऑफ द टावर है ना, ये पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट और एनी ऑब्जेक्ट विच इज ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, ठीक है ना, तो यहां से ऑब्जर्व हो रहा है, तो इस एंगल को, इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर से ध्यान से समझो, ओके, द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज हियर, अगर यहां से ऊपर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो कौन सा टॉप को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देन दिस एंगल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, ये टॉप ऑफ द टावर का है, अगर ये बड़ा हो जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ जाता है, अगर ये हाइट बड़ा हो जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, और ये जो लेवल है ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल को हॉराइजॉन्टल लेवल इस कंडीशन में, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोला जाता है, व्हिच वन, व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग अपवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, ओके, then the angle formed by the line of sight in the horizontal level and the ground level is angle of elevation. Kiska angle of elevation hai? Angle of elevation of the top of the tower or top of the building. Is it? Agar yahan pe koi aeroplane ud raha hai, maan lo, to angle of elevation of the flying aeroplane, wo object ka angle of elevation kahan pe form hota hai? At ऑब्जर्विंग पॉइंट, मतलब एट एंगल, मतलब एट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में एंगल फॉर्म होगा, वो किसका एंगल होगा, टॉप ऑफ द टावर या फिर टॉप ऑफ द बिल्डिंग या फिर टॉप ऑफ द व्हाट एवर द ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट है, और एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, ये हाइट जितना कम होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन उतना कम होता जाएगा, हाइट जितना बड़ा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बड़ा होता जाएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है, पहला पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है, एट टॉप ऑफ द टावर का है, कहां फॉर्म होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिस जगह में ऑब्जर्व होता है, कब एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है, जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देखता है, इफ ऑब्जर्वर इज लुकिंग अपवर्ड्स, ठीक है ना, फिर से रिपीट करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कब फॉर्म होता है, जब ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देखता है, कहां फॉर्म होता है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में फॉर्म होता है, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो टॉप ऑफ द टावर या फिर टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उस ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे फॉर्म नहीं होगा, यहां पे फॉर्म होगा, ठीक है ना, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके,
ओके बट फ्रेंड्स अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे ओके यहाँ पे इस कंडीशन में देखो यहाँ पे ये पॉइंट से ऑब्जर्व हो रहा है तो ऑब्जर्वर का हाइट तो यहाँ पे इग्नोर हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर का जो हाइट है वो तो इग्नोर हो रहा है। कोई आदमी यहां से तो ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, तो ग्राउंड लेवल है ना, उसका आई लेवल तो ग्राउंड में तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो इंसान का एक हाइट होता है। जबकि ऑब्जर्वर का हाइट भी होता है तो प्रैक्टिकली तो इस तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकली तो हम लोग ठीक है, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल, एंगल ऑफ एलिवेशन का आइडिया तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल बात समझने से तो ऐसे समझना है, क्योंकि उस इंसान का, जो इंसान यहां से ऑब्जर्व कर रहा है कोई चीज को, उसका आई साइट तो ऊपर होगा ना, आई लेवल तो देखो ऊपर होता है, यहाँ पे होता है, आई लेवल तो फुट में नहीं होता है ना। तो इसका तो मतलब बस एक आइडिया लेने के लिए हुआ, या तो आदमी यहाँ पे द पर्सन इज स्लीपिंग, ऐसा आइडिया आएगा, समझ रहे हो बात। यहाँ पे देखो अगर आई लेवल ये हुआ तो पर्सन इज स्लीपिंग है ना ऑब्जर्विंग, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक इंसान जो मान लो 6 फीट का एक इंसान है, ठीक है ना, एक इंसान 6 फीट का है, मान लो मैंने पकड़ लिया 6 फीट का इंसान यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका आई लेवल तो ऊपर में होगा। तो ये जो आई लेवल है, मतलब आई लेवल जो है ना वही हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, जो कि ग्राउंड लेवल के साथ पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ठीक है, लाइन ऑफ साइट ये इसके साथ कंपेयर करो, एक ही बात है, जिस लाइन से ऊपर का टॉप को देखा जाता है, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, तो दिस लाइन इज द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। एंड नाउ दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, और आई लेवल इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, फिनिश, ओके। बट नाउ इफ यू चेक द हाइट ऑफ द टावर, सपोज 36 फीट है ना, तो हम लोग का जो यूज में जो हाइट आएगा वो सिर्फ BC आएगा, वो ग्राउंड लेवल को हम लोग माइनस, ये जो हाइट है उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जर्व तो सिर्फ ये पॉइंट से हो रहा है। इसका मतलब एक्चुअल हाइट अब यहाँ पे हम लोग कितना लेना पड़ेगा, 30 माइनस 6 है ना, 30 माइनस 6 फीट मतलब 30 फीट ही लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअल हाइट जो है वो क्या 30 फीट, कहां से ये हाइट, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल का ऊपर का, ठीक है ना। ये टोटल 36 था, तो ये हुआ आपका 6, क्योंकि ये 6 है ना। तो हम लोग का जो हाइट है फॉर दिस राइट ट्रायंगल, ओके, कितना आएगा, 30 फीट आएगा, तो एक्चुअल हाइट होगा 30 फीट, तो 30 फीट ही यूज में आएगा, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल बात था, इसको समझना है दोनों चीज को अच्छे से, ओके। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। When the observer is here at the top of tower or top of above, the observer is above of something. Okay. Now, if observer is observing downwards, अगर observer यहाँ पे है, ऊपर कहीं पे है और वहां से नीचे देख रहा है, ठीक है ना, तो अभी इस condition में this is the point of observation. This point is point of observation. Okay. And it is observing, suppose कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर से, है ना, ये ऊपर से मान लो एक टावर के ऊपर से कोई रिपेयर करने वाला जो होता है टावर को, वो ऊपर उठ गया और ऊपर से देख रहा है नीचे यहाँ पे कोई इंसान को, ठीक है, तो ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर यहाँ से कोई किसी कार को देख रहा है, ठीक है ना, ऊपर कोई बिल्डिंग से खड़े होके नीचे में किसी बिल्डिंग का कोई बेलकोनी से नीचे में किसी एक कार मूविंग कार को देख रहा होगा सपोज, तो ये ऑब्जर्व हो रहा है ऊपर से नीचे, मतलब द ऑब्जर्वर इज लुकिंग डाउनवर्ड्स, तब क्या होता है, लाइन ऑफ साइट तो सेम है, ये लाइन ऑफ साइट है आगे का, जैसे अभी ऑब्जर्विंग पॉइंट पहले यहाँ पे था, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे था, अभी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, तो लाइन ऑफ साइट तो यही है इसको देख रहा है, अभी हॉरिजॉन्टल लेवल तो ये है, तो इसके साथ आई लेवल तो यहाँ पे है, अभी आई लेवल ये है, तो आई लेवल जो है ना वही हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो अभी इसके साथ देखो इसके साथ यहाँ पे लाइन ऑफ साइट का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना, दैट इज लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल कौन सा है, जहां से आई लेवल, मतलब जिस लेवल से ये जो ऑब्जेक्ट को मतलब देखा जा रहा है ना, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है ना। पहले आई लेवल था ग्राउंड लेवल, या फिर उसका ग्राउंड लेवल के साथ पैरेलल, ये भी ग्राउंड लेवल के साथ ही पैरेलल है, ये भी तो ग्राउंड लेवल के साथ ही पैरेलल है, तो ये ग्राउंड लेवल के साथ पैरेलल है हॉरिजॉन्टल लेवल, व्हिच इज आई लेवल इज द हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट। तो ये इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों मतलब अगर ऊपर से नीचे देखा जाता है, ठीक है ना, तो वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में उसी पॉइंट में जहां से देखा जाता है उस पॉइंट में एंगल फॉर्म होता है,
लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच, उस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलने तो एक ही टाइप के एंगल से, एक ही टाइप के एंगल से। अब इसमें एक चीज देखो, एक फ्रेंड यहां पे मान लो, यहां पे एक फ्रेंड है, ये दूसरा फ्रेंड यहां पे, एक फ्रेंड ऊपर खड़ा है और दोनों बात कर रहे हैं आपस में, दोनों के बीच कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा है जोर जोर से, ठीक है। अब क्या है, इसके लिए ये एंगल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, यहां का फ्रेंड के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ये एंगल, और ये फ्रेंड के लिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है ये एंगल, ठीक है ना। अब देखो ये और ये तो पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ग्राउंड लेवल पैरेलल है, इसके हिसाब से ये ट्रांसवर्सल हो गया और ये एंगल और ये एंगल इक्वल, मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इन दिस केस ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो जैसा भी क्वेश्चन आए काम में, तो ये जो एंगल है यही का एंगल आएगा, इसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन बोल के पकड़ो या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ इक्वल एंगल बोल के पकड़ो, ठीक है ना। काम में यूज में तो ये एंगल आएगा, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एंगल तो सेम है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलने से बस यहां पे फॉर्म होता है, नीचे देख रहा है जब, अब ऊपर देखने से यहां पे एंगल फॉर्म होगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। हाँ, अब ये दोनों चीजों का डेफिनेशन दिखेंगे अच्छे से, ठीक है। एंड द अपवर्ड्स एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू ए लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू सम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। द डाउनवर्ड्स एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू ए लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू सम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड द अपवर्ड्स एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू ए लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू सम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। The downwards angle from the horizontal to a line of sight from the observer to some point of interest is called angle of depression. तो दोस्तों अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 9.1, इसमें एक ही एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी हम लोग को मिलेंगे, बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए, जो हम लोग का रेशियोज के रिलेशन होते हैं, जैसे कि आपको मिलता है रेशियो जैसे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, उसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, ये सब चीज पता होना चाहिए। इसमें ज्यादातर आपको यहाँ पे टेन का जो है ना रेशियो पता होना चाहिए, टेन का रेशियो या जानना आपको जानना है जरूरी है यहाँ पे। टेन मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस में, मतलब ऑलमोस्ट ऑल, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है, वो समझना है। और आपको वैल्यू देखो, आपको 1060 और 1030 का वैल्यू तो पूरा ही यूज होगा अभी यहाँ पे। 1060 मतलब √3 और 1030 मतलब 1/√3, ये दोनों वैल्यूज पूरा यूज होगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन में यूज नहीं होगा बस, बाकी में तो सब में वही चीज है। तो समझ लो कि इतना डिफिकल्ट तो नहीं होगा, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 meter लॉन्ग रॉप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 degree। सो फ्रेंड्स, वेरी सिंपल सॉल्यूशन हियर, द हाइपोटेनस इज द लेंथ ऑफ द रॉप, okay, hypotenuse is the length of the rope, okay, it is given 20 meter and we have to find out the height of the pole, pole is the perpendicular, that means हम लोग को hypotenuse दिया गया, हम लोग को perpendicular निकालना है, बात तो इतना ही है। hypotenuse दिया गया जो कि rope है, length of the rope, और ये जो है pole का length height निकालना है, तो pole तो perpendicular है यहाँ पे, ये perpendicular hypotenuse, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि perpendicular और hypotenuse के relation में कौन सा ratio आता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के रेशियो में साइन आएगा और कोसेक आएगा, हम लोग साइन को ले लेंगे, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के रिलेशन क्या होता है, पी बाई एच मतलब साइन होगा, है ना। तो इसका मतलब हम लोग को रेशियो मिलेगा इस एंगल के लिए, दैट इज साइन 30 इज इक्वल टू एपी बाई एसी मिलेगा। साइन 30 इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे एबी है, है ना, और हाइपोटेनस मतलब यहां पे क्या है, हाइपोटेनस मतलब एसी है।
अब एंगल तो 30 डिग्री है, तो साइन 30 का वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, साइन 30 इक्वल टू 1/2, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 पुट कर दिया, तो ए बी का ए बी हम लोग को निकालना ये पता नहीं हम लोग को, और ए सी का वैल्यू 20 दिया हुआ है पुट कर दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2AB इक्वल टू 20 into 1 20 हो गया, तो AB इक्वल टू 10, तो AB इक्वल टू 10 निकला मतलब हाइट निकल गया 10, मतलब हाइट मतलब पोल है, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ओके। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. So this is the question. So here the figure is for this question number 2. द ट्री ब्रेक्स हियर, मतलब जो पेड़ था जो ट्री था वो यहाँ पे टूट गया, टूट के वो नीचे गिर गया, तो नीचे गिर के वो ग्राउंड लेवल में उसका ट्री का टॉप यहाँ पे टच हो गया है ना, ये यहाँ से ये गिर के यहाँ पे टच हो गया, इसका मतलब ये जो सीढ़ी का हाइट है वो इसी के साथ इक्वल है। देखो बच्चों ये पैटर्न के क्वेश्चन तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जानने से पहले भी किए हैं, ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पाइथागोरस में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते थे जो हम लोग पहले सॉल्व हो चुके हैं। देन हियर एट दिस पॉइंट सी द ट्री ट्री ब्रोक एंड इट्स फॉलन हियर एंड व्हिच टचेस द ग्राउंड एट ए, मतलब इसका मतलब दिस सीडी एंड एसी आर इक्वल बिकॉज सेम, दिस इज द दिस पार्ट इज सेम एंड द सेम पार्ट इज कम्स डाउन, इज इट ओके। नाउ दिस टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड at an angle of 30 degree given in the question 30 degree and the distance between the top of the tree and the foot of the tree, now it is the foot and this is the top, it's fallen down, so abhi yahan pe ye top of the tree or foot of the tree ka distance is given here, that is 8 meter, okay 8 meter, then what shall we have to find, हम लोग को क्या निकालना है, क्या पूछ रहे हैं, find the height of the tree, तो हमको वो tree का height निकालना है, तो tree कितना बड़ा था वो निकालना है। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये total कितना लंबा होगा वो निकालना है, ठीक है हाँ। अब पहले तो क्या होगा, देखो दोस्तों ये 8 meter आ गया, तो त्रिकोणमिति यूज करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये मैं बीसी का बात बोल रहा हूं, बीसी और ये एबी जो है वो बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन से क्या रेशियो बनता है, रेशियो कौन सा बनता है 10, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो इसमें से हम लोग को परपेंडिकुलर मतलब बीसी मिल जाएगा। अब देखो बीसी मिल गया तो हमको एसी भी चाहिए, क्योंकि हमको टोटल लेंथ ऑफ द ट्री पूछ रहे हैं, तो बीसी प्लस सीडी मतलब सीडी मतलब एसी एक ही चीज है, तो अब एसी तो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे, या फिर त्रिकोणमिति यूज करके कर भी सकते हो, हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर का रिलेशन करके, या फिर पाइथागोरस लगा दो, हम तो त्रिकोणमिति से ही करेंगे सबका सब, ठीक है। अब देखें यहां पे क्या होगा, ओके फ्रॉम राइट ट्रायंगल, मैंने डिटेल में नहीं लिखा, सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं होता है, फ्रॉम राइट ट्रायंगल एबीसी एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए इक्वल टू कितना दिया है, एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री इतना दिया है, ओके देखो यहाँ पे तो एबी का मेजरमेंट दे दिया, वो सब दिखने का जरूरत नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे बेस निकालेंगे, सो देयरफॉर 10 30 डिग्री, हमको 10 यूज करना है, क्योंकि कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग के पास बेस दिया गया और हम लोग को टोटल ट्री का हाइट निकालेंगे, हालांकि बीसी तो टोटल ट्री का हाइट नहीं है, लेकिन बीसी निकालने के बाद हम लोग एसी भी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हाइट निकल जाएगा, बीसी निकल जाएगा और एसी भी निकल जाएगा, तो बीसी को और एसी को जोड़ देंगे तो पूरा पूरा ट्री निकल गया ना, क्योंकि सीडी तो एसी है, ओके सो दिस इज इक्वल टू आपको क्या बनेगा, यहां से बनता है, मैंने 10 यूज किया तो ये बीसी है ना परपेंडिकुलर बाय बेस एबी, ठीक है ना, ओके 10 30 का मतलब 1/√3, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ओके बीसी ठीक है एबी का 8, तो बीसी इज इक्वल टू
दिस बी सी इक्वल क्या होगा, ये रूट थ्री बी सी, ये देखो रूट थ्री बी सी इक्वल टू एट, ऐसा हुआ ना, तो बी सी इज इक्वल टू एट बाय रूट थ्री। अगर इसका सोल्यूशन ये होता तो हम लोग को इसको रेशनलाइज करना था, लेकिन हम लोग का सोल्यूशन नहीं है तो बी सी तो इतने में छोड़ेंगे, ठीक है ना। अब ए सी निकालेंगे, ए सी के लिए क्या 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 चाहिए हमको, ये और ये हो रही है या फिर ये हो रही है, कंडीशन को जैसे भी करो, देखो बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस के रिलेशन में कौन सा रेशियो आता है, अगेन अगेन कौन सा आता है, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो में कौन सा आता है, बेस और हाइपोटेनस क्या होता है, सम पीपल है कर्ली ब्राउन हेयर, नहीं होता है क्या कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर नहीं होता है बेस और हाइपोटेनस का, इसका मतलब कौन सा आता है, कर्ली मतलब सी, तो कॉस थीटा दैट इज कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कौन सा है ए बी है, हाइपोटेनस कौन सा है ए सी, ये तो फिक्स है ठीक ना। हाँ कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है रूट थ्री बाय टू, होता है ना, कॉस 30 का वैल्यू रूट थ्री बाय टू होता है ना, होता है ओके। दिस इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू 8 और ए सी तो हम लोग को निकालना है दोस्तों, तो ठीक है, हम लोग और काम करेंगे यहां पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, रूट थ्री ए सी ठीक है इज इक्वल टू ए इंटू होगा तो 2 8 से कितना 16 यहां आ गया ठीक है। अब वापस आते हैं यहां से, तो दैट इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू 16, यहां से थोड़ा नीचे करेंगे, दैट इज ए सी इज इक्वल टू 16 बाय रूट थ्री, ऐसा आ गया 16 बाय रूट थ्री ठीक है, एसी इक्वल टू 16 बाय रूट थ्री। देयरफोर हाइट ऑफ द ट्री, देखो कौन सा है हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इट इज इक्वल टू, ये आपका होगा बी डी, बी डी का मतलब होता है बी सी प्लस, मैं डायरेक्ट एसी लिखता हूं होगा समझ में आ जाएगा ना, बी डी BC प्लस CD, लेकिन CD और AC तो इक्वल है, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो लिख देना CD लिखो फिर वापस लिखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो BD इक्वल टू आपको मिलेगा BC प्लस CD का वैल्यू कितना, CD मतलब AC है ना, देयरफॉर BD इज इक्वल टू, आपको BC कितना लंबा चौड़ा नहीं लिखने से भी होता है, BC का वैल्यू आपने लिखा कितना, निकला BC का वैल्यू, BC का 8 बाय रूट थ्री प्लस प्लस एसी का वैल्यू कितना आया 16 बाय रूट थ्री ठीक है। इधर करते हैं वो एलसीएम ले लेंगे रूट थ्री, तो दिस इज इक्वल टू होगा आपका रूट थ्री दैट इज 8 प्लस कितना 16, तो ये बनता है आपका 24 बाय रूट थ्री। देखो दोस्तों इसको इस फॉर्मेट में नहीं रखना है क्योंकि नीचे में इरेशनल नहीं होना है, उसको हमेशा रेशनलाइज करना है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो 8 इंटू 3 24 हो गया या फिर रूट थ्री, अब रूट थ्री से 3 को रूट थ्री टाइम जाएगा इक्वल टू 8 रूट थ्री मीटर ना, ये हो गया आपका आंसर ठीक है ना। मैंने आंसर को यहां पे रखा ठीक है, 8 रूट थ्री जो है ना हाइट ऑफ द ट्री हो गया। So friends, question number 3 is all about the two types of slides made by a contractor, मतलब यहाँ पे दो टाइप के स्लाइड है, ये स्लाइड्स है, स्लाइड्स बच्चों लोग के लिए खेलने के लिए दो पटांग के स्लाइड्स है। तो क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है कि, मैंने क्वेश्चन तो नहीं लिखा तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया कि दो टाइप के स्लाइड्स बनाया गया है यहाँ पे। तो पहला वाला जो स्लाइड है वो बिलो फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 years, मतलब 5 साल से नीचे के बच्चे लोग के लिए ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर ऊंचा, मतलब इतना हाइट में स्लाइड को रखा गया, ये जो बच्चे लोग 5 साल से कम 5 years से कम उम्र के लिए ठीक है ना। और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री दिया गया, यह क्वेश्चन में दिया गया, हाइट इज 1.5 मीटर फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 years एंड देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्लाइड टू द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री एंड द स्टूडेंट द चिल्ड्रन अबव 5 years फॉर द चिल्ड्रन अबव 5 years द स्लाइड इज मेड
okay, 3 meter height, at 3 meter height, that means double of this. ये जो था 1.5 मीटर था, 1.5 मीटर मतलब, तो ये 3 मीटर हो गया, इसका डबल हो गया, ठीक है ना। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी अभी ये बड़ा हो गया, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है ना। हाँ हो गया ना। हाँ अभी हम लोग को निकालना क्या है, दोनों क्वेश्चन में हम लोग को पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो यहाँ पे ये स्लाइड का कितना लेंथ होगा, ये स्लाइड का लेंथ क्या है, वो पूछ रहा है, ठीक है ना। हाँ अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, दिया है हम लोग को परपेंडिकुलर, निकाला है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन पी बाई एच पीपल हैव किसके लिए आता है, साइन के लिए आता है, इसमें भी वही चीज है। तो इन दोनों का स्लाइड का लेंथ ही तो निकालना है। ओके देयरफॉर फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम राइट ट्राइंगल लिख देंगे, राइट ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना, एक्यूट एंगल को मेंशन करो, एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर साइन को आएगा, यहां पे साइन आएगा कैसे पता चला आपको, यहां पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, हाइपोटेनस निकाल दिया, परपेंडिकुलर दिया गया है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस एबी बाय हाइपोटेनस इज एसी। तो साइन 30 का वैल्यू पुट करो, दिस इज 1/2 इज इक्वल टू एबी का वैल्यू आपको 1.5 मीटर दिया गया, और ये एसी, तो इट इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू एसी, तो एसी हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 मतलब 3, तो एसी 3 मीटर, इसीलिए देखो लेंथ ऑफ द स्लाइड इज कितना आया 3 मीटर पहला कंडीशन में। सेकेंड केस में उसी तरह से, सेकेंड केस में इसमें कितना आएगा, फ्रॉम राइट ट्राइंगल आगे में बी सीधा, अभी डी ई एफ ये राइट एंगल ट्राइंगल से है ना, एंगल एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री इस एंगल के लिए कर रहे हैं। तो आपको फिर वापस वही चीज सेम ही तो है, साइन 30 साइन 60 आएगा, अभी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज डी ई परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस जो है वो डी एफ है, ठीक है ना। हाँ साइन 60 का वैल्यू √3/2 है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ओके तो डी ई का वैल्यू जो है ना, डी ई कहाँ है, डी ई ये डी तो हाइट है, वो तो 3 मीटर हो गया, ये 3 और ये डी एफ, डी एफ तो हमको निकालना है डी एफ, ठीक है। तो इंप्लाई करते हैं इसको इज इक्वल टू, अच्छा इंप्लाइज कर दिया तो √3 डी एफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी एफ इज इक्वल टू 2 × 3, मैंने 6 नहीं लिखा क्योंकि मैं इसको टारगेट कर रहा हूं पे, इधर देखिए अभी, ओके दैट्स इंप्लाइज डी एफ इज इक्वल टू, डी एफ इक्वल टू देखो यहाँ पे ये 2 × 3 है तो √3, इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 मिल, √3 मिला, तो डी एफ इज इक्वल टू मिला आपको डी एफ इक्वल टू 2√3 इतना मीटर, स्लाइड का लेंथ 2√3 मीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्लाइड, द लेंथ ऑफ द स्लाइड कितना है 2√3 मीटर। ओके दोनों कंडीशन, दो अलग अलग क्वेश्चन बोल के सोच में से भी हो जाता है, ठीक है।